नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी कि कम सामग्री में स्वादिष्ट गोल अप्पे कैसे बना सकते हैं। अप्पे बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी या रवा, खट्टी दही, लाल टमाटर, हरी धनिया, मिर्ची, प्याज, कड़ी पत्ता, खाने का सोडा, जीरा सरसों, रिफाइंड तेल, 3 से 4 कटोरी पानी, नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले एक बर्तन या पतीला लें, उसमें एक बड़ी कटोरी सूजी को डालें और आधी कटोरी खट्टी दही को उसमें डालकर अच्छे से मिला लें। एक से दो कटोरी पानी डालकर एक चपचपा पेस्ट बना लें। और कुछ देर के लिए उसे पानी सोखने के लिए ढक कर रख दें। तब तक हम दूसरी सामग्री तैयार कर लेते हैं। एक प्लेट में प्याज, टमाटर, धनिया और मिर्च को साफ धोकर रख लें और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक काट लें। सामग्री तैयार होने के बाद सूजी और दही का जो पेस्ट हमने बनाया था उसे ले और बारी बारी से उसमें कटी हुई टमाटर, प्याज, धनिया और मिर्च को डालकर अच्छे से मिला लें। उसके बाद उस पेस्ट में स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच सोडा डालें। पेस्ट तैयार हो जाने के बाद गैस चूल्हा को धीमी फ्लेम पर रखें और एक छोटा बर्तन चढ़ा लें और उसमें तेल डालकर गर्म होने दें। उस तेल में कड़ी पत्ता, जीरा सरसों डालकर तड़का तैयार कर लें। अब उस तड़के को जो पेस्ट हमने बनाया था उसमें डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें। अब गैस चूल्हे पर अप्पे बनाने के सांचे को चढ़ाएं, उसके हर एक खंड में थोड़ा थोड़ा तेल डालें। और गर्म होने पर उसमें थोड़ा थोड़ा जीरा छिड़क लें। अब बारी बारी से हर एक खंड में चम्मच की सहायता से पेस्ट को डालें और उसे सेकने के लिए ढक दें और गैस के फ्लेम को कम कर लें। थोड़े थोड़े देर में ढक्कन निकाल कर चेक करते रहें। अप्पे को चम्मच की मदद से पलट कर सेकने के लिए छोड़ दें। अप्पे हल्का ब्राउन होने पर एक साफ बर्तन में निकाल लें। किसी भी प्रकार की चटनी या टोमेटो सॉस के साथ उसे टेस्ट करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।